जय श्री अपना चरण माँ कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपसी परम पूज्य एक सौ विशाल कुमार जी चिन्हय बिराज छो अने आपसी बे दिवस एटलू सुंदर यमुनाष्टकन अमने पोषण आप रहा छो तो यू कृतार्थ करो अने आज आपने कालिंदी बेटी जी भागवत अमने रोज पोषण आप रहा है एम जय जय श्री પોતે કરીને અમને રેકોર્ડ કરીને મોકલે છે બહુ વર્ષોથી એમનું એક એક વિષય અમે સાંભળી રહ્યા અને એનું અમે બે ગ્રુપ છે અમારું જય શ્રી કૃષ્ણ એમાં મુખ્ય છે આજે મેં એમનું સાંભળ્યું આપની માટે એટલું સુંદર કે વિશાલ બાવાશ્રી છે આપણા પિતાશ્રીનું નામ પણ બોલ્યા એમના લાલન છે એમને યમુનાષ્ટક વિશે બોલ્યા છે લાલ બધા વલ્લભ એક એકથી ચડ્યા તમે એ કરો એટલું સુંદર છે જે શ્રી આપના માટે બોલ્યા છે ખૂબ 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 અમારો તો ભાગ્ય આટલું સુંદર પણ રિયલમાં આપશ્રી બહુ સુંદર અમે આ બધું નહોતું જાણ્યું છે જયશ્રી આઈ ઓનેસ્ટલી દંડવત પ્રણામ છે જયશ્રી બધા જુદી જુદી રીતે પોષણ આપી રહ્યા જુદું જુદું અમને જ્ઞાન આવી રહ્યું છે અને અમે ટ્રાય કરીએ છીએ બધું કરવા અને ઘણો હું બધા વૈષ્ણવોને પણ કહું છું કે તમે બે વર્ષથી બેઠા તમારામાં સો ફેર થયો એ તમે ખાવ એ જ તમારું આ બે વર્ષનું એ છે એનો જય જય શ્રી અને એમાં હું તો પહેલી જ હોવું જોઈએ બહુ આનંદ જય જય શ્રી મહાપ્રભુની કૃપા છે શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાજીની કૃપા હોય તો જ આ શક્ય છે તો બાકી એમની વાણી એમની કૃપા વગર ન બોલાય ના 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 પણ હું આ જગ્યાએ બેઠી છું તો કઈ મારું તો જરાય નહીં જે સામર્થ્ય બસ આ બધાની કૃપાથી આ મને કંઈક બનાવી નિમિત્તનો ને તો આટલી બીમારી આટલું ઘર આટલું ચાલે જે બેસી જવું આમ એનો મને જ ન હોય લાગે અને આખા દિવસની સેવા પણ કરવા દે આ મને તો આમ શું કહું વલ્લભને સલાહ એ કરું કે જય વલ્લભ જે જે આ સેવા ઉપયોગી દે છે એની ચર્ચા આપણે કરી છે હા મેં આપને તીધા રાતે કર્યો તો ફોન ખબર જે છે કે આજુ જાણ્યું તારે મન થયું કે આ તો કૃપાનો બધું આ મને જ લાગતું થયું આ તો એક્ઝેક્ટલી પણ બહુ સુંદર એનો આરંભ કરીએ જે છે આશીર્વાદ આવું અમે આગળ વધીએ એનો બસ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ બધાનો फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी वैष्णवों का मैं विशाल चेन्नई से यमुनाष्टक के दूसरे सत्र के तीसरे दिन में खूब स्वागत करता हूँ। अब तक अपन ने यमुनाष्टक पे चार श्लोकों की अपन ने चर्चा करी और अब पांचवें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं गया चरण पद्मजा मुर रिपो प्रियम भाव समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवता तया सदृशताम या कमलजा सपत्नी वय हरि प्रिय कलिंदया मनस में सदा स्थीयता। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने पद्मजा शब्द का प्रयोग किया और पद्मजा शब्द का आप अगर साधारण अर्थ करोगे तो वो अर्थ है श्री गंगा जी, लेकिन श्री गुसाइन जी अपने टीका में पद्मजा शब्द के लिए भगवदीयस्य नहीं लिखकर भगवदीया नाम शब्द का आपसे ने प्रयोग किया है। अब आपको थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण बता दूं, घबराना नहीं, कोई भी व्याकरण शास्त्र अगर आप देखोगे तो उसमें एक वचन और बहुवचन होते, लेकिन संस्कृत व्याकरण में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते, एक वचन सिंगुलर द्विवचन ड्यूअल। जब दो की संख्या आपको बतानी हो तो संस्कृत व्याकरण में उसका स्कोप है कि आप द्विवचन का प्रयोग करो और दो से ज्यादा की जब आपको संख्या बतानी हो तब बहुवचन का प्रयोग होता है। ज्यादातर जितने भी भाषा के जो व्याकरण शास्त्र हैं, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, कोई भी दूसरी भाषा गुजराती ले लो, सब में एक वचन और बहुवचन ही है। एक की संख्या के लिए एक बताओ और उसके अलावा एक से ज्यादा बताना हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है।
लेकिन श्री गोसाई जी ने यहाँ पे एक वचन या द्विवचन का प्रयोग नहीं करके पद्मजा शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग किया, यानी कम से कम तीन तो होने चाहिए। तो तीन ऐसे कौन, तो श्री गोसाई जी अपन को टीका में समझाते कि पद्मजा शब्द का एक अर्थ तो गंगा जी है, क्योंकि वो ठाकुर जी के चरण कमल से प्रकटे हैं, एक ही अर्थ। दूसरा, पद्मजा शब्द का एक और अर्थ है लक्ष्मी जी, क्योंकि वो कमल से प्रकट है। लक्ष्मी जी क्योंकि कमल से प्रकट है इसलिए वो भी पद्मजा है, उनका नाम भी पद्मजा है। और तीसरे, सरस्वती जी का भी नाम पद्मजा है, क्योंकि वो ठाकुर जी के मुख कमल में से प्रकट है। तो ठाकुर जी के मुख कमल में प्रकट होने के कारण पद्मजा शब्द यहाँ तीनों के लिए लागू पड़ता है, गंगा जी के लिए भी पड़ता है, लक्ष्मी जी के लिए भी पड़ता है और सरस्वती जी के लिए भी पड़ता है। अमुके का टीका में या प्राचीन अपन बालकों के अगर प्रवचन का श्रवण करें तो बहुत से बालक तुलसी जी को भी पद्मजा के, तुलसी जी भी क्योंकि वो भी चरण के पास से ही प्रकटे हैं, इसलिए तुलसी जी को भी यहाँ पे पद्मजा अपने यहाँ पे ऐसे सुनने में आया है। बाकी नहीं तो ये तीन तो मुख्य अर्थ है ही, एक सबसे पहले हुए गंगा जी, फिर हुए लक्ष्मी जी और फिर सरस्वती जी, ये तीनों ही पद्मजा है। लेकिन जो पद्मजा शब्द का सबसे प्रख्यात सबसे पॉपुलर अर्थ है वो है गंगा जी, जो वैष्णव बरसों से सुनते आ रहे, जो अर्थ वैष्णव को पता है वो अर्थ है गंगा जी का। तो अपन गंगा जी का ही उदाहरण लेके अपन आगे बढ़ेंगे। तो श्री यमुना जी के कारण ठाकुर जी के चरण कमल से प्रकटे, यानी श्री गंगा जी का महात्म्य बढ़ा, यानी जब तक श्री यमुना जी के साथ गंगा जी का संगम नहीं हुआ था तब तक गंगा जी का वो महात्म्य नहीं था जो आज के समय। अब अपन यहाँ पे इसको समझते हैं कि कैसे प्राचीन समय में गंगा जी का एक मनोरथ था कि जैसे ठाकुर जी श्री यमुना जी में स्नान करने पधारते हैं, जैसे श्री यमुना जी ठाकुर जी को प्रिय है, ऐसे ठाकुर जी कब मेरे में स्नान करने पधारेंगे, ठाकुर जी मेरे जल में भी स्नान करने पधारे, मैं भी ठाकुर जी की प्रिया बनूं, ऐसा श्री गंगा जी का मनोरथ था। लेकिन उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो गंगा जी ने क्या किया, आप श्री यमुना जी के पास गए और यमुना जी से आपने विनती करी कि आप मेरे पे ऐसी कृपा करो कि ठाकुर जी मेरे जल में भी स्नान करने पधारे, अपने श्रीअंग का सुख मेरे को भी प्रदान करे और मैं भी उनकी प्रिया बनूं। तो श्री यमुना जी ने उनको आज्ञा करी कि आप एक काम करो, आप मेरे में मिल जाओ, आप मेरे में मर्ज हो जाओ, मिक्स हो जाओ, तो ठाकुर जी आपका मनोरथ जरूर पूरा करेंगे। तो गंगा जी तो एकदम खुश हो गए और एकदम आनंद पूर्वक गंगा जी यमुना जी से जाकर प्रयाग में मिले। अब ये देख के सरस्वती जी से भी रहा नहीं गया, सरस्वती जी बोली कि चलो मैं भी वहां पे जाऊंगी करके, कि ठाकुर जी पधारेंगे तो मैं भी वहां पे जाऊंगी। तो गुप्त रूप से सरस्वती जी भी गंगा जी और यमुना जी के साथ वहां पे प्रयाग पहुंच गए। अब जब ठाकुर जी ने ये त्रिवेणी संगम देखा तो ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया और ठाकुर जी भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने पधार गए और आपसी ने गंगा जी का मनोरथ पूरा किया। ना कहने का तात्पर्य है कि जब तक गंगा जी का मिलन श्री यमुना जी से नहीं हुआ था तब तक गंगा जी ठाकुर जी को प्रिय भी नहीं थे और यमुना जी के समान गंगा जी सकल सिद्धि देने वाले भी नहीं थे। लेकिन यमुना जी से उनका संगम होने के बाद गंगा जी भी सकल सिद्धि देने वाले बन गए। पहले गंगा जी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं था कि यमुना जी के समान वो सकल सिद्धि प्रदान करें, लेकिन क्योंकि उन्होंने यमुना जी का संग किया, ये श्री यमुना जी के संग का प्रभाव, श्री यमुना जी के संग से ही, केवल संग से और बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली उन्होंने यमुना जी का संग किया और केवल उनका संग करने से ही गंगा जी के अंदर सकल सिद्धि प्रदान करने का सामर्थ्य उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। और यमुना जी के संग के बाद ही वो भी ठाकुर जी के प्रिय बने जो वो पहले नहीं थे। अब यहां सबसे पहले अपने वापस याद करने की जरूरत है कि सकल सिद्धि यानी क्या, अपन ने पहले श्लोक में चर्चा करी थी और ज्यादातर वैष्णव की आदत है कि भाई प्रवचन में बैठेंगे तब तक तो बड़े आनंद पूर्वक से सब श्रवण करेंगे, लेकिन जैसे ही उठे सब वहीं पे छोड़ के उठेंगे, एकदम खंखेर के, अपन जैसे हॉल में बैठते हैं ना अपन, अगर ये तो अपना जूम के ऊपर अपने प्रवचन चल रहे हैं, बाकी अगर जो प्रत्यक्ष चले तो भी मेरे आप लोगों के सन्मुख आके प्रवचन करना हो तो जिस हॉल में आप लोग प्रवचन का आयोजन करोगे वहां से जब आप कुर्सी से या जमीन से उठोगे तो मैं बधु खंखेर ही नहीं उठोगे,
તો એમાં છે ને સત્સંગમાં જે સાંભળેલું હોય છે ને એ તમે ખંકી લીધો છે. હવે જો કોઈને યાદ ન હોય તો આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ કે સકલ સિદ્ધિ એટલે શું. સિદ્ધિના આઠ પ્રકાર કયો? ચાર સંયોગ અવસ્થા કી સિદ્ધિ ઓર ચાર વિપ્રયોગ અવસ્થા કી સિદ્ધિ. સંયોગ અવસ્થા કી સિદ્ધિ મેં ભગવત સેવા ઉપયોગી દેહ કી પ્રાપ્તિ, ભગવદ લીલા કા સ્મરણ, ફિર ભગવદ લીલા કા અનુભવ, ઓર ચોથા સર્વાત્મ ભાવ કી સિદ્ધિ. ઓર સર્વાત્મ ભાવ યાની સર્વોપી આત્મનઃ અંતઃકરણસ્ય ભાવઃ ભગવતી ઇતિ સર્વાત્મ ભાવઃ. અંતઃકરણ મેં ઉત્પન્ન હોતે જીતને ભી ભાવ હૈ, આજ આપકે મન મેં ઉત્પન્ન હોતે જીતને ભી ભાવ હૈ, અચ્છે બુરે હરેક પ્રકાર કે ભાવ, જીતને ભી ભાવ હૈ, ઉન સભી ભાવો કો ભગવાન મેં સ્થાપના, યે સર્વાત્મ ભાવ. હઝારો ખ્વાહિશે એસી કે હર ખ્વાહિશ પર દમ નિકલે, બહોત નિકલે મેરે અરમા મગર ફિર ભી કમ નિકલે, યે સર્વાત્મ ભાવ. કે આપકે અંદર ઉત્પન્ન હોતી જીતની ભી ખ્વાહિશ હૈ, જીતને ભી ભાવ હૈ, જીતની ભી ઈચ્છા હૈ, ઉન સભી કો ભગવાન મેં સ્થાપિત કરના, યે સર્વાત્મ ભાવ હૈ. ઓર યે સર્વાત્મ ભાવ શ્રી યમુનાજી કી કૃપા સે હી પ્રાપ્ત હોતા હૈ. અબ આતી હૈ ચાર વિપ્રયોગ અવસ્થા કી સિદ્ધિ. તો ઉસમે સબસે પહેલે હૈ કે વિયોગ કે સમય ઠાકુર જી કા અપને અંતઃકરણ મેં પ્રાગટ્ય હોના, જબ ઠાકુર જી પ્રત્યક્ષ નહીં બિરાજતે હો, એસે સમય પે ઠાકુર જી અપને મન મેં પધારે, અપને મન મેં ઠાકુર જી કા પ્રાગટ્ય હો વો. દૂસરા વિપ્રયોગ અવસ્થા મેં ઠાકુર જી કી લીલાઓ કા અનુભવ. તીસરા ઉન લીલાઓ કે અનુભવ સે ઉત્પન્ન હોતે રસ કા અનુભવ. લીલાઓ તો ચલો આપ એક બાર એક ઘડી આપ લોગ લીલાઓ કા સ્મરણ ભી કર લોગે, લેકિન હર એક લીલા મેં જો રસ હૈ વો રસ કા ભી અનુભવ હોના જરૂરી હૈ, નહીં તો વો આપકા અનુભવ અધૂરા રહેગા. આપ ખાલી યાદ કર લો કે અરે કલ પ્રવચન મેં બહોત આનંદ આયા થા, જીજે ને યે લીલા બતાઈ થી, બહોત સુંદર થી, બહોત આનંદ હૈ, લેકિન ઉસ લીલા કે અંદર જો રસ હૈ વો રસ કા આપને અનુભવ નહીં કિયા, તો વો રસ કા અનુભવ ભી શ્રી અમનાજી અપન કો કૃપા પૂર્વક કરવાતા. ઓર આઠવી હૈ સર્વત્ર ભગવત સ્ફૂર્તિ. જબ ઠાકુરજી પ્રત્યક્ષ નહીં બિરાજતે હો, જબ પ્રત્યક્ષ નહીં પધારતે હો, તબ ભી આપકો સર્વત્ર ભગવત સ્ફૂર્તિ હોના, યે શ્રી અમનાજી કી કૃપા હૈ. સર્વસ્મિન આત્મભાવ, ચારો તરફ આત્મા કા દર્શન કરના, પરમાત્મા કા દર્શન કરના, ભગવાન કા દર્શન કરના, યે સર્વાત્મ ભાવ. જહા મેં આકર ઇધર ઉધર દેખા, જહા મેં આકર ઇધર ઉધર દેખા, તું હી તું આયા નજર જિધર કો દેખા, યે સર્વાત્મ ભાવ કી ઉચ્ચ અવસ્થા. તો યે આઠ પ્રકાર કી સિદ્ધિ શ્રી યમુનાજી અપને ભક્તો કો પ્રાપ્ત કરાતે હૈ. લેકિન અબ ક્યોંકિ ગંગાજી કા સંબંધ શ્રી યમુનાજી કે સાથ હો ગયા હૈ, ક્યોંકિ ગંગાજી શ્રી યમુનાજી સે મિલ ગયે હૈ, તો ગંગાજી ભી અબ સકલ સિદ્ધિ પ્રદાન કરને વાલે બન ગયે. ગંગાજી સે ભી અબ આપ અગર જાકે વિનંતી કરો તો ગંગાજી ભી આપકો યે આઠો પ્રકાર કી સિદ્ધિયાં પ્રદાન કર સકતે હૈ, જો પહેલે સંભવ નહીં થા, પહેલે પોસિબલ નહીં થા, લેકિન ગંગાજી ક્યોંકિ યમુનાજી સે મિલ ગયે, તબ ગંગાજી મેં ભી વો સામર્થ ઉત્પન્ન હો ગયા. અબ યહ પ્રશ્ન યે આતા હૈ કે ગંગાજી પહેલે અપ્રિય ક્યોં થે? જબ તક ગંગાજી કા સંબંધ યમુનાજી સે દો ચીજ હુઈ, ગંગાજી કે અંદર દો ચેન્જ આયે યમુનાજી સે સંબંધ હોને કે બાદ, એક તો વો સકલ સિદ્ધિ દેને વાલે બને, ઓર દૂસરા ચેન્જ જો ગંગાજી કે અંદર આયા વો હૈ કે વો ઠાકુરજી કે પ્રિય બને. તો પ્રશ્ન યે હૈ કે ગંગાજી પહેલે પ્રિય ક્યોં નહીં થે? ગંગાજી અપ્રિય કેમ હતા પહેલા? ઓર યમુનાજી સે સંબંધ કે બાદ હી ક્યોં ભગવાન કો પ્રિય બને? લોક મેં આપ જાઓ તો જો મહાત્મ્ય ગંગાજી કા પ્રસિદ્ધ હૈ, વૈસા મહાત્મ્ય એક્ચુઅલી યમુનાજી કા નહીં હૈ. ગંગાજી કા લોગો કો લોગો કે અંદર જો ગંગાજી કી મહત્તા હૈ, ઉતની મહત્તા લોગો મેં યમુનાજી કે લિયે નહીં હૈ, પર ફિર ભી ભગવાન કો યમુનાજી જ્યાદા પ્રિય થે, ગંગાજી નહીં. इसका कारण क्या? तो पुराणों में एक प्रसंग आता है, पुराणों में वर्णन आता है कि जब शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी और दूसरे देवी देवता भी उनके विवाह में पधारे. तो जब ब्रह्मा जी विवाह में पधारे और उनने जब पार्वती जी को देखा तो ब्रह्मा जी के अंदर काम की उत्पत्ति हुई. पार्वती जी इतने सुंदर लग रहे थे કે બ્રહ્માજી કે અંદર વો કામાસક્ત હો ગયે પાર્વતીજી કો દેખે, ઓર યે દેખકર ઉનકો શરમ આઈ તો વો મંડપ સે બહાર ચલે ગયે.
कि भाई ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसा मेरे को करना नहीं चाहिए करके उनको शर्म आई, खुद उनको बहुत खराब लगा, तो वो बाहर चले गए, उनको लज्जा के कारण वो मंडप से बाहर चले गए। शिव जी ने देख लिया कि अरे ब्रह्मा जी तो बाहर चले गए करके, और शिव जी समझ गए। तो शिव जी ने क्या किया, सब विधि वगैरह सब होने के बाद शिव जी पधारे ब्रह्मा जी के पास, उनने एक कमंडल की रचना करी और विश्व भर में जितने भी तीर्थ है उन सभी तीर्थों का जल उनने उस कमंडल में भर के ब्रह्मा जी को दे दिया कि आप इसका पान करना, इससे आपका दोष दूर हो जाएगा, जो दोष अभी आपसे हुआ वो दोष आपका दूर हो जाएगा। अब वामन अवतार के समय जब बलि राजा ने वामन जी को प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको 3 कदम पृथ्वी में आपको दूंगा, तो 1 कदम से ही उनने तो पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे चरण से आपने पूरा ब्रह्मलोक नाप लिया। तो वामन जी का चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा तब वहां पे ब्रह्मा जी ने उसी कमंडल के जल से वामन जी के चरणारविंद का उनने प्रक्षालन किया, उनने उनके चरणारविंद का अभिषेक किया और ऐसे ब्रह्मलोक में गंगा जी की उत्पत्ति हुई। वो जो जल है जिससे उनने वामन जी के चरणारविंद धोए, उनका अभिषेक किया, वो जल ही गंगा जल है और ऐसे गंगा जल की उत्पत्ति ब्रह्मलोक में हुई। और यही गंगा जी के लिए भगीरथ ने भूतल पे तपस्या करी और शिव जी से विनती करी और इसी गंगा जी को भगीरथ ने भूतल पे पधराया। जब इसलिए गंगा जी का एक और नाम विष्णुपदी है, जो विष्णु के चरणारविंद से उत्पन्न हुई वो विष्णुपदी। तो गंगा जी का नाम विष्णुपदी है क्योंकि वो ठाकुर जी के वामन जी के चरणारविंद से वो उत्पन्न हुआ। तो जब भगीरथ ने तपस्या करी, भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को जब भूतल पे पधराया तो गंगा जी ब्रह्मलोक से ध्रुवलोक, ध्रुवलोक से होते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, सूर्यलोक से होते हुए शिव जी की जटा पे, शिव जी की जटा से होते हुए हिमालय पे और हिमालय से होते हुए गंगा जी भूतल पे पधारे। यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रसंग और आता है कि जब गंगा जी भूतल पे पधार रहे थे तो अपन ने जैसे यमुना जी की मैं चर्चा करी कि यमुना जी जब पधार रहे थे तो अत्यंत वेग से पधार रहे थे, एकदम फोर्स में पधारे थे, तो ऐसे ही गंगा जी भी जब पधारे ब्रह्मलोक से तो अत्यंत वेग में पधार रहे थे। तो उस वेग में पधारने के कारण क्या हुआ, जन्नू नाम के एक ऋषि थे, वो अपने कुटिया में, उनका कुटिया थी, एक झोपड़ी थी और उनके आजू बाजू उनका खेत था, उनका खुद का खेत था, तो वो वहां बैठ के तपस्या कर रहे थे। लेकिन गंगा जी इतने वेग में पधारे कि उनकी पूरी कुटिया वहां पे धुल गई, उनके सारे खेत नष्ट हो गए, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो जन्नू ऋषि को आया गुस्सा। तो जन्नू ऋषि इतने प्रतापी थे, इतना सामर्थ्य था उनके अंदर, वो पूरा गंगा जल पी गए। उस टाइम पे जितना गंगा जल की जो क्वांटिटी थी, जो ब्रह्मलोक से भूतल पे पधारे थे गंगा जी, वो पूरा गंगा जल पी गए गुस्से में, क्योंकि उनकी तपस्या भी भंग हो गई और उनके खेत भी नष्ट हो गए और उनका घर भी नष्ट हो गया था। तो भगीरथ ने सबने फिर जाके जन्नू ऋषि से विनती करी, उनको शांत किया, उनका गुस्सा ठंडा किया। उसके बाद जन्नू ऋषि ने अपने कान से गंगा जी को बाहर प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक और नाम पड़ा जाह्नवी, जन्नू ऋषि की पुत्री जाह्नवी, क्योंकि वो जन्नू ऋषि के अंदर से प्रकटे, अंदर से बाहर आए वापिस, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा। तो ऐसे गंगा जी भूतल पे पधारे और गंगा जी ही एकमात्र ऐसी नदी है कि जो स्वर्ग में, भूतल पे और पाताल में, तीनों लोक में बहते हैं, तीनों लोक में गंगा जी बहते हैं। तो ये गंगा जी का महात्म्य था। और क्योंकि अब जिस जल से ब्रह्मा जी ने वामन जी के चरणारविंद का अभिषेक किया था वो समग्र तीर्थों का जल था, तो गंगा जी के अंदर ऑटोमेटिकली ये सामर्थ्य था कि जो उनके जल में जाके स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए गंगा जी के अंदर ये सामर्थ्य था, क्योंकि गंगा जल जो है वो समग्र तीर्थों का जल है, विश्व भर में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का जल का जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, वो गंगा जल। इसलिए गंगा जी के अंदर दूसरों के दोषों को, भक्तों के या जो भी उनके अंदर स्नान करने आता है उनके दोषों को दूर करने का सामर्थ्य गंगा जल में है। अब आप लोग मेरे को एक बात का जवाब दो, जो जल आपके शरीर से निकले क्या वो जल आपको प्रिय होगा?
आप लोग वल्लभ कुल की पदराम नहीं कराते हो, पदराम नहीं करते हो तो आप लोग वल्लभ कुल के केसर स्नान करते हो। बोलो अब वो केसर स्नान का जल वल्लभ कुल को कितना प्रिय है? वैष्णव को तो बड़ा क्रेज है, अरे मैंने थोड़ा चरणामृत आपो, मैंने थोड़ा चरणामृत आपो करी। वल्लभ कुल को प्रिय है? क्यों वल्लभ कुल को जल प्रिय नहीं है? क्योंकि उनके चरणारविंद का जल है। तो गंगा जी क्यों अप्रिय थे? क्योंकि वो भगवान के चरणारविंद का जल थे, इसलिए वो अप्रिय थे। और गंगा जी बाद में क्यों प्रिय बने? क्योंकि यमुना जी के साथ जब उनका संगम हुआ, जब उनके अंदर सकल सिद्धि देने का सामर्थ्य आया, तब गंगा जी भी जो अब तक केवल भक्तों के दोष दूर करते थे, अब वो भक्तों को भक्ति प्रदान करने लग गए, इसलिए अब वो भगवान को प्रिय बने। पहले वो प्रिय नहीं थे। सकल सिद्धि देने के कारण अब जो भी गंगा जी में स्नान करने आता है, तो गंगा जी भी अब अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य उनके अंदर आया, जो उनके अंदर पहले नहीं था। पहले वो खाली भक्तों को मुक्ति प्रदान करते थे या तो स्वर्ग में वास देते थे। गंगा जी ने कभी भी ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं किया था, लेकिन अब यमुना जी से संगम होने के बाद गंगा जी भी अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करते, सेवा उपयोगी देह प्रदान करते हैं, भगवत लीलाओं का अनुभव कराते हैं, भगवत लीलाओं के रस का अनुभव कराते हैं, सर्वात्म भाव की सिद्धि कराते हैं। ये सारा सामर्थ्य गंगा जी में पहले नहीं था। गंगा जी का स्कोप खाली इतना था वो दोषों को दूर कर, उससे ज्यादा गंगा जी का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन अब यमुना जी के संगम के बाद, क्योंकि गंगा जी भी भक्ति प्रदान करने वाले बन गए, इसलिए अब वो भगवान को प्रिय है जो वो पहले नहीं थे। जैसे आपके शरीर से निकला हुआ जल आपको प्रिय नहीं होता, आप उसको संभाल के रखते हो। आप अगर बाई चांस गर्म पानी में पैर डाल के बैठो कि भाई बहुत पैर दुख रहे हैं, गर्म पानी में नमक डाल के अपन पैर डाल के बैठे, वो जल को आप संभाल के रखते हो, तो वो जल जैसे अपन को प्रिय नहीं होता, ऐसे ही गंगा जी भी पहले भगवान को प्रिय नहीं थे, लेकिन यमुना जी से संगम के बाद गंगा जी भी भगवान को प्रिय बन गए। अब मैं यहाँ पे आप सभी वैष्णवों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोग प्रयाग गए हो कभी? आप लोगों ने प्रयाग में स्नान किया है? त्रिवेणी संगम में आप लोगों ने स्नान किया है? तो आप लोग मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो कि त्रिवेणी संगम में गंगा जी का महत्व है कि यमुना जी का महत्व है? सबसे ज्यादा किसका महत्व है? गंगा जी का। गंगा, जमुना, सरस्वती, तीन नदी है वहां पे। सरस्वती जी गुप्त रूप में, तो बचे दो। दो में भी वेटेज किसका ज्यादा है? गंगा जी की महत्ता वहां ज्यादा है या यमुना जी की महत्ता ज्यादा है? अगर आप लोग ये प्रश्न श्री महाप्रभु जी से पूछोगे ना, तो श्री महाप्रभु जी वे आपको जवाब देंगे कि भाई महत्ता तो गंगा जी की ही ज्यादा है, यमुना जी की ज्यादा नहीं। वहां पे महत्ता गंगा जी की ज्यादा है, क्योंकि गंगा जी भौतिक नदी है। लोक में जो महत्ता है, लोक में जो प्रसिद्धि है, वो गंगा जी की ज्यादा है, क्योंकि वो भौतिक नदी है। लेकिन यमुना जी, यमुना जी का महात्म्य भौतिक नहीं है, यमुना जी का महात्म्य अलौकिक है। गंगा जी का महात्म्य लौकिक में ज्यादा है, लेकिन यमुना जी का महात्म्य अलौकिक में ज्यादा है। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, सीता असीते यत्र संगते तत्रा प्रतासौ दिवमुत्पतंती ये वही तन्मा विसृजंती धीरः ते जनासो अमृत तत्व भजन्ते। सीता यानी सफेद, सीता शब्द का अर्थ होता है सफेद, और सफेद यानी यहाँ पे गंगा जी। असीता यानी जो सफेद नहीं है, यानी यमुना जी। सीता असीते यत्र संगते, गंगा जी और यमुना जी जहां पे मिलते हैं, जहां पे उनका संगम होता है, यानी वो प्रयागराज। जहां पे गंगा और यमुना का संगम होता है, यानी वो प्रयागराज। वहां पे जो डुबकी लगाता है, वहां पे जो स्नान करता है, ऐसे लोगों को सीधा स्वर्ग में स्थान मिलता है। ऋग्वेद आज्ञा करता है कि यमुना और गंगा के संगम में जो जाकर स्नान करता है, ऐसे लोगों को सीधा स्वर्ग में स्थान मिलता है। और जो इनके किनारे, यानी जो प्रयागराज में जाके दिन की देह छूटती है, ऐसे लोगों को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर आप लौकिक दृष्टि से अगर आप देखो
तो लौकिक दृष्टि से गंगा जी का महत्व प्रयाग में ज्यादा है, लेकिन अगर आप अलौकिक दृष्टि से देखो तो प्रयाग में यमुना जी का महत्व ज्यादा है, गंगा जी का महत्व ज्यादा नहीं है। गंगा जी में अनेक नदियां मिलती हैं। अगर आप गंगा जी को देखो तो गंगा जी में केवल यमुना का मिश्रण नहीं है, अलग अलग जगह पर अगर आप पूरे भारत में देखो तो हिमालय से लेकर आप पूरा जहां तक गंगा जी बहते हैं वहां तक अगर आप देखो तो गंगा जी में केवल यमुना जी का मिश्रण नहीं है, गंगा जी में बहुत सारी नदियों का मिश्रण है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नदियों का मिश्रण होता है। लेकिन भक्तों लेकिन लोगों के दोष को दूर करना और लोगों को भक्ति प्रदान करना, ये सामर्थ्य गंगा जी के अंदर उन नदियों के कारण उत्पन्न नहीं हुआ। जब गंगा जी दूसरे नदियों से मिक्स होते हैं तब उनके अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न नहीं, उनके अंदर ये सामर्थ्य कब उत्पन्न हुआ, जब इनका संगम यमुना जी से हुआ। इसलिए यहाँ पे ऋग्वेद का मंत्र अपन को बताता है कि गंगा और यमुना का मिलन जिस जगह पे है वहां पे आपको ये फल मिलेगा कि आपको स्वर्ग में भी वास मिलेगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो ये जो सामर्थ्य गंगा जी के अंदर आए ये श्री यमुना जी के कारण है। लौकिक दृष्टि से सबको लगेगा क्या रहे गंगा जी गंगा जी गंगा जी, पर गंगा जी में सामर्थ्य आया कहां से? तो ऋग्वेद का ये आप मंत्र देखो तो ऋग्वेद अपन को समझाता है कि भाई जो उनके संगम में वहां स्नान करता है उसको स्वर्ग में वास मिलता है, और जो अपनी देह ये त्रिवेणी संगम के किनारे पे छोड़ता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, सीधा मोक्ष प्राप्त होता है उसको, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा वो जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। और मुक्ति वही चार प्रकार की मुक्ति जो अपन ने पिछले क्लासेस में अपन ने चर्चा की। तो प्रयाग के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो भले ही लौकिक दृष्टि से गंगा जी की महत्ता है, लेकिन अलौकिक दृष्टि से अगर आप देखो तो यमुना जी के कारण गंगा जी में वो महत्ता है, बाकी स्वतंत्र गंगा जी में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था, यमुना जी से संगम होने के बाद ही उनके अंदर ये सारे सामर्थ्य उत्पन्न हुए। जीव के दोषों को मुक्त करके स्वर्ग की प्राप्ति कराने में भगवान का सुख नहीं है। जीव के दोष अगर गंगा जी दूर करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराए इसमें भगवान का सुख नहीं, इसमें जीव का सुख। बोला अगर जो तमने स्वर्गवास मणे तेमा तमने सुख छे के भगवान ने सुख छे, सुख किसका है? स्वर्ग के सुख आप भोगोगे कि भगवान भोगते? तो जीव को स्वर्ग में स्वर्गवास देना वो जीव का सुख है, भगवान का सुख नहीं है। लेकिन यमुना जी जीव के दोषों को दूर करके स्वर्गवास नहीं कराते, उनको लीला में स्थान देते। गंगा जी की पहुंच केवल स्वर्ग तक है, गंगा जी जीव के दोषों को दूर करके केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यमुना जी जीव के दोषों को दूर करके नित्य लीला तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए यमुना जी भगवान को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जब आप जीव को नित्य लीला में पहुंचाते हो तो वहां पे भगवान के सुख का आपने विचार किया। आप वहां जाके ठाकुर जी की सेवा करोगे, नित्य लीला में जाके आप ठाकुर जी की सेवा करोगे, इसलिए क्योंकि यमुना जी ठाकुर जी के सुख का विचार करते हैं, ठाकुर जी के सुख का विचार करते, इसलिए यमुना जी ठाकुर जी को गंगा जी से ज्यादा प्रिय है। लोक में भले अपन को गंगा जी ज्यादा प्रिय होंगे क्योंकि वो दोषों को दूर करते हैं, लेकिन गंगा जी की पहुंच केवल स्वर्ग तक है, स्वर्ग से आगे गंगा जी की पहुंच नहीं है। गंगा जी आपको नित्य लीला में लेके नहीं जा सकते, वो आपको केवल यमुना जी ही लेके जा सकते हैं। इसलिए भगवान को यमुना जी ज्यादा प्रिय है गंगा जी से करते, और ये सिद्धि जो गंगा जी में बाद में उत्पन्न हुई यमुना जी से संगम के बाद, वो केवल यमुना जी की कृपा से हुई। गंगा जी में पहले वो सामर्थ्य नहीं था, गंगा जी में अब नित्य लीला में पहुंचाने का सामर्थ्य यमुना जी से मिलन के बाद ही उत्पन्न हुआ, उससे पहले उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था। और श्री यमुना जी का यही महात्म्य श्री हरिराय जी ने 41 पद में भी वर्णन किया। ऋग्वेद में जो यमुना जी का ये महात्म्य है इसका वर्णन श्री हरिराय जी ने 41 पद में भी किया है कि कहत श्रुति सार निर्धार कर इन बिना कौन ऐसी है सखी। वेदों के श्रुतियों का निर्धार करके यानी अच्छी तरह से विचार विमर्श करके इसका तात्पर्य यही निकलता है कि ऐसी कृपा श्री यमुना जी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। यमुना जी ने जो कृपा गंगा जी पे करी ऐसी कृपा इन बिना कौन करे ऐसी है सखी।
यमुना जी के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो ऐसी कृपा कर सके जो यमुना जी ने गंगा जी के ऊपर करी है। अब आगे तीसरी पंक्ति में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं, तया सहर्षतामिया, ऐसे श्री यमुना जी की समानता कौन कर सकता है, ऐसे यमुना जी जो गंगा जी के अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न कर सके, ऐसे श्री यमुना जी की समानता, ऐसे श्री यमुना जी के बराबर इस विश्व में कोई नहीं है, जिनके संयोग मात्र से गंगा जी में भगवदियों का महात्म्य बढ़ जाता है। गंगा जैसी नदी, गंगा जी ले लो आप, लक्ष्मी जी ले लो आप, सरस्वती ले लो, ऐसे जो नदियां हैं, ऐसे जो देवियां हैं, इनका महात्म्य अगर भक्तों में बढ़ जाता है यमुना जी के संगम मात्र से, तो सोचो कि भाई यमुना जी के समानता कौन कर सकता है। वैष्णव पुष्टि जीव गंगा जी को पहले नहीं पूछते थे, गंगा जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी को पहले ज्यादा नहीं पूछते थे, उनके लिए तो केवल यमुना जी ही थे, पर क्योंकि यमुना जी का संगम इनसे हुआ तो अपन उनको पूछने लग गए। अपने लिए गंगा जी का अब थोड़ा महात्म्य है जो पहले के समय पर नहीं था। तो भगवदियों के अंदर जिनका महात्म्य बढ़ जाए, ऐसे श्री यमुना जी की समानता कौन कर सकता है। तो इसके उत्तर में श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि कमलजा सपत्नी वयन, कमलजा यानी लक्ष्मी, अगर जो यमुना जी की बराबर कोई कर सकता है, यमुना जी की बराबरी अगर कोई कर सकता है तो वो केवल लक्ष्मी जी है, और वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो सपत्नी है। गुजराती भाषा में बोलूं तो सौतन, लक्ष्मी जी केवल लक्ष्मी जी ही एकमात्र ऐसे हैं जो गंगा जी की बराबरी कर, जो श्री यमुना जी की बराबरी कर सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो सपत्नी है। बाकी उसके अलावा यमुना जी और लक्ष्मी जी में भी कोई समानता नहीं है। लक्ष्मी जी भी भगवान को उतने प्रिय नहीं है जितने श्री यमुना जी है। गंगा जी क्यों प्रिय नहीं है ये अपन ने देख लिया, अब लक्ष्मी जी क्यों प्रिय नहीं है ये समझना जरूरी है। जितने प्रिय यमुना जी हैं उतने प्रिय भगवान को लक्ष्मी जी नहीं है। खाली उन दोनों के अंदर एक ही समानता है, एक ही जगह पे दोनों का मैच होता है, वो यहाँ पे कि वो दोनों सपत्नी है, सौतन है एक दूसरे। उसके अलावा लक्ष्मी जी और यमुना जी दोनों एकदम विपरीत स्वभाव के हैं। बोलो आप लोगों ने अगर लौकिक में आप लोगों ने अगर सौतन देखी हो किसी की, तो जल्दी सौतन के आपस में बनती नहीं। आप लोगों ने कहीं देखा है कि सौतन के आपस में बहुत बनती हो? दोनों ज्यादातर आपको विपरीत स्वभाव के ही मिलेंगे। तो ऐसे ही श्री यमुना जी और लक्ष्मी जी दोनों सौतन है और दोनों विपरीत स्वभाव के। इसलिए तो महाप्रभु जी यहां पे आगे लिखते हैं कि हरिप्रिय कलिंदया, हरि को तो केवल कालिंदी ही प्रिय है, कालिंदी यानी यहाँ पे श्री यमुना जी, हरि को केवल यमुना जी प्रिय है, लक्ष्मी जी उनकी सपत्नी है, लक्ष्मी जी ठाकुर जी की पत्नी है, पर लक्ष्मी जी उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय भगवान को यमुना जी है। क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी जी का एक स्वभाव है, ठाकुर जी के भक्तों को लक्ष्मी जी है ना धन का लालच देके दूर कर देते, लेकिन यमुना जी भक्तों के अंदर रहे हुए दोषों को दूर करके उनको ठाकुर जी के पास ले जाए। लक्ष्मी जी क्यों भगवान को अप्रिय है? क्योंकि वो भक्तों को ठाकुर जी से दूर कर देते हैं, वो थोड़े पोसेसिव कि नहीं बेट भगवान के पास तो केवल मैं ही रहूंगी, दूसरे नहीं रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी धन का लालच देके भगवान को दूर भक्तों को दूर कर देते भगवान से, लेकिन यमुना जी अपने अंदर कलयुग के कारण अपने अंदर जितने भी दोष उत्पन्न हुए होंगे उन सभी दोषों को दूर करके यमुना जी अपन को ठाकुर जी के सन्मुख लेके जाते हैं। लक्ष्मी जी स्वार्थी हैं, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर अगर खुले शब्दों में बोलूं तो लक्ष्मी जी का स्वार्थ है कि नहीं भगवान के पास तो मैं ही रहूंगी, दूसरे नहीं रहेंगे, लेकिन यमुना जी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं। यमुना जी ने खुद का स्वार्थ कहीं रखा ही नहीं है, यमुना जी तो हमेशा अपने भक्तों के सुख का ही विचार करते हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग एक सोच समझ के मेरे को और पूरी ईमानदारी से जवाब देना। आप लोगों के ऊपर
और आप लोग परिवार वालों से पूछ रहे ना, खाली खुद के लिए नहीं, और इसलिए नहीं कि भाई जूम मीटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, घना वैष्णव सांभड़ी रहा है, इसलिए नहीं, ईमानदारी से जवाब देना और घर वालों को भी पूछ के जवाब देना। आप लोगों के ऊपर लक्ष्मी जी कृपा करें तो आप लोग ज्यादा आप लोगों को आनंद आएगा, या आप लोगों के ऊपर श्री यमुना जी कृपा करें तो आप लोगों को ज्यादा आनंद आएगा। लक्ष्मी जी कृपा करेंगे तो आपको धन देंगे, खूब पैसा देंगे, आपको जितने डॉलर चाहिए उतने डॉलर आपको लक्ष्मी जी देंगे, लेकिन आपको ठाकुर जी से दूर कर देंगे। यमुना जी, अगर आप यमुना जी आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आपका पूरा रुपया छीन लेंगे, आपका जितने भी डॉलर्स हैं, जितने भी रुपए हैं, जितना भी द्रव्य है, यमुना जी आपका सारा द्रव्य छीन लेंगे, लेकिन आपको ठाकुर जी के पास लेके जाएंगे। अब आप मेरे को ईमानदारी से जवाब दो, आपके ऊपर लक्ष्मी जी कृपा करें तो आप लोगों को ज्यादा आनंद आएगा, कि आप लोगों के ऊपर यमुना जी कृपा करें तो आप लोगों को ज्यादा आनंद आएगा? घर वालों से भी पूछ लेना, बच्चों से भी पूछ लेना। राइट नाउ जवाब यमुना जी। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, आसुरिम योनि मा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त अधमा गतिम। अधम गति को कौन प्राप्त होता है? तो भगवान जवाब देते कि माम अप्राप्यैव, जो मेरे को छोड़कर दूसरा बहुत कुछ प्राप्त करने जाता है, मेरे को छोड़कर जो द्रव्य प्राप्त करने जाता है, ऐसे लोग आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, अधम योनि को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवान को छोड़कर लक्ष्मी जी को प्राप्त कर, भगवान के साथ साथ अगर आप लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की इच्छा रखो तो उसमें उतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन भगवान को छोड़कर अगर आप जो लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखो तो ऐसे लोग, अगर आप अपना मन अलौकिक से हटाकर आप अगर अपना चित्त अपना मन लौकिक में रखो, पैसा के ऊपर रखो, तो ऐसे लोग भगवान आज्ञा करते हैं कि ऐसे लोग आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मों तक वो ऐसे अंधकार में ही रहते हैं, अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए यमुना जी का स्वभाव लक्ष्मी जी से विपरीत है। लक्ष्मी जी भक्तों को पैसों का लालच देके भगवान से दूर कर देते हैं, लेकिन यमुना जी जीव के अंदर रही हुई सांसारिक आसक्तियों को दूर करके, जीव के अंदर रहे हुए दोषों को दूर करके ठाकुर जी के पास लेके जाते हैं। इसलिए यमुना जी भगवान को ज्यादा प्रिय है, गंगा जी से भी करते प्रिय है और लक्ष्मी जी से भी करते भगवान को ज्यादा प्रिय है। ऐसे श्री यमुना जी के लिए महाप्रभु जी लिखते हैं कि मनसि मे सदा स्थीयता। ऐसे श्री यमुना जी हमेशा आप मेरे मन में स्थिति करो, ऐसे एक विनती श्री महाप्रभु जी यमुना जी से कर रहे हैं। अब यहां पे आपको यह समझना जरूरी है कि महाप्रभु जी ऐसी विनती क्यों कर रहे हैं। आप मेरे मन में स्थिति करो, ऐसी विनती श्री महाप्रभु जी क्यों कर रहे हैं? तो श्री गुसाइन जी अपन को यहाँ पे समझाते हैं कि अपने शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों का जो मूल है वो मन है। आपकी 10 के 10 इंद्रियां सूक्ष्म रूप से मन में विराजती हैं, मन में उनका स्थान है। आप लोगों को अगर उदाहरण दूं तो आप लोग आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके सोते हो? आप लोग सब आंख बंद करके सोते हो, बराबर? अगर मेरे प्रवचन हो तो शायद आप लोग आंख खोल के भी सो जाओ, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जनरली आप लोग आंख बंद करके सोते हो। पर आप लोगों को सपने दिखाई देते हैं कि नहीं? तुमने सपना देखा है कि नहीं देखा? अबे तुमने क्या की दिखाया, आंखें तो बंद है तुम्हारी, हवे तमने सपनो देखायो क्या? तो एटले तमारा 10 नी 10 इंद्रिया जे छे ते मनमा विराजे छे, एनु सूक्ष्म तत्व मनमा ऑलरेडी स्थापित छे। आ तो केवल यंत्र छे, ये खाली यंत्र है कि जिससे आप बाहर देख सकते हो। देखने की शक्ति आंख में नहीं है, देखने की शक्ति मन में। इसलिए आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि इनका हाथ है पर हाथ चलता नहीं है, पैरालिसिस है उनको, पैरालिसिस का अटैक आता है। तो आपका हाथ होता है पर आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपके हाथ का संपर्क मन के साथ टूट जाता है तब उस अंग में पैरालिसिस का अटैक आता है। जो कनेक्शन है आपके बॉडी का आपके मन के साथ, वो कनेक्शन जब टूट जाता है
तो आपका वो बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। आपके पैर में लकवा मार जाए तो लकवा मारना यानी क्या, पैरालिसिस का अटैक यानी क्या, कि आपके पैर का जो संबंध है वो मन के साथ अगर टूट जाए तो पैर होते हुए भी आप चल नहीं सकते। कितने लोगों के कान है पर उनको सुनाई नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य कि मन के अंदर 10 की 10 इंद्रियां सूक्ष्म रूप से विराजती है। ऐसे मन में अगर जो श्री यमुना जी पधार जाए, ऐसे मन में अगर जो श्री यमुना जी, और वो भी कालिंदी का रूप लेके, कलयुग के, क्योंकि दोषों की उत्पत्ति का जो स्थान है ना वो भी मन है। कोई भी एक तो रोग और एक दोष, ये दोनों आपके बॉडी में सबसे पहले मन में एंटर करते हैं। मन में एंटर करने के बाद फिर वो आपके बॉडी में फैलते हैं। डॉक्टर अगर आपको बोल दे ना भाई तुमने तो कैंसर छे, तो कैंसर आपको उतना तकलीफ नहीं देगा जितना आपका विचार आपको तकलीफ देगा। हाय मैंने कैंसर थे गयो, हाय मैंने कैंसर थे गयो। अब ये जो आपका डर है ना, ये जो रोग आपके मन में बैठ गया ना, अगर आपको कैंसर ठीक भी हो रहा होगा ना तब भी आप खुद को बीमार समझोगे। इसलिए रोग और दोष हमेशा पहले मन में उत्पन्न होते हैं। और दूसरा, मैं तो सभी वैष्णवों को एक एडवाइस दूंगा जो मैंने मेरे गुरु वर्य से सीखी है कि रोग अने बुढ़ापो इन्हें क्यारे पण मन में आवा देता नहीं। रोग अने बुढ़ापो जो मन में आवी गयो ने तो तमें उम्र थी पहला ज गड़ा थई जशो। अगर जो आप पहले विचार कर लो ना, हवे हूँ 60 वर्ष नी थई, तो भले तमे 60 वर्ष ना थे, अपन अगर जो मगज में ठोकाई गयो ने कि हवे हूँ 60 वर्ष, ऑटोमेटिकली तमारा 4 काम अटकाई देशे कि ना ना भाई हवे तू 60 वर्ष नी थी, हवे मारा थी आ नहीं। अरे शरीर थी पॉसिबल छे तो करो ने, तमे भले तमे 60 ना बनो, 70 ना बनो, 80 ना थई जाओ, अगर जो तमारा शरीर थी ए वस्तु करवानु पॉसिबिलिटी छे, अगर जो तमे ये कार्य करी शको तो तमारे चोक्कस करवु जोईए। उमर जोई ने बेसी नहीं जाओ। એટલે રોગ અને બુઢાપો એને ક્યારે મનમાં આવવા દેતા નહીં, એની ઉત્પત્તિનું સ્થાન મન છે। એસે મન મે અગર જો શ્રી યમુનાજી પધાર જાય, કાલિંદી કા રૂપ લેકે પધાર જાય, આપકે મન મે ઉત્પન્ન હોતે સર્વ દોષો કો નિવૃત્ત કરને કે લિયે યમુનાજી જો આપકે મન મે પધાર જાય તો આપ ભી ઠાકુર જી કે પ્રિય બન જાઓગે। આપકે અંદર ભી આપ ભી શ્રી યમુનાજી કે સમાન નિર્ગુણ બન જાઓગે। आपके अंदर कभी भी कलयुग संबंधी दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे अगर जो यमुना जी आपके मन में विराज जाए तो। इसलिए श्री महापुरुष यमुना जी को विनती करें कि हे श्री यमुना जी, आप मेरे मन में पधारो, आप मेरे मन में विराजो, ताकि मेरा मन भी निर्दोष बने। आज मेरे मन में अनेक प्रकार के दोष है। आज आपको कोई भी गलत काम करने की इच्छा होती है ना, तो आपको प्रेरणा अंदर से ही आती है ना, आपको पहले अंदर से प्रेरणा आती है, उसके बाद आपको कार्य करते हो। तो आपको गलत काम करने की प्रेरणा करने वाला आपका मन है। ऐसे मन में अगर जो श्री यमुना जी पधार जाए, ऐसे मन में अगर जो श्री यमुना जी विराजे, तो आपका मन भी निर्दोष हो जाएगा। तो ऐसे श्री यमुना जी जिनके संग से गंगा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी जैसे भगवतियों का जो अगर लोक में महात्म्य बढ़ जाता हो, तो ऐसे श्री यमुना जी की समानता दूसरा कोई नहीं कर सकता। यहां अपना 5वां श्लोक पूरा होता है। अब 6ठे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अत्यद्भुतम, न जात यमयातना भवति ते पयपानत, यमोपि भगिनी सुतान कथम मुहंति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका। श्री महाप्रभु जी या श्री यमुना जी को नमन करने के लिए नमोस्तु शब्द का आपसे ने प्रयोग किया है, और उसका अर्थ है कि जिनको नमन करना भी शक्य नहीं है। श्री यमुना जी ऐसे हैं कि जिनको नमन करना भी शक्य नहीं है। अब देखो, अब यमुनाष्टक में श्री महाप्रभु जी ने 3 जगह पर यमुना जी को नमन किया। सबसे पहले तो आपसे ने श्री यमुना जी को 1ठे श्लोक में नमन किया, नमामि यमुना महम, सबसे पहली बार आपने वहां नमन किया। फिर 3रे श्लोक में आप श्री ने वैष्णवों को आज्ञा करी कि तुम लोग भी यमुना जी को नमन करो, नमत कृष्ण तूर्य प्रियम,
ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना को तुम लोग भी नमस्कार करो। महाप्रभु जी सभी वैष्णवों को, अपने सेवकों को, अपने भक्तों को आज्ञा कर रहे कि तमे बद्दा पण यमुना जी ने नमन करो। अब यह छठे श्लोक में श्री महाप्रभु जी समझा रहे कि यमुना जी को तो नमन करना भी शक्य नहीं है, यमुना जी को तो नमन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ये जो तीन बार महाप्रभु जी ने नमन किया ना, ये यमुना जी के तीन अलग अलग स्वरूपों को आपसे नमन किया। सबसे पहले आपने आदि भौतिक श्री यमुना जी को नमन किया, फिर आपने आध्यात्मिक श्री यमुना जी को नमन किया है, और अब यहाँ पे आदि दैविक स्वरूप जो श्री यमुना जी का है वो स्वरूप को अब महाप्रभु जी देखकर आज्ञा कर रहे हैं कि भाई आपको तो नमन करना भी शक्य नहीं है। आपके भौतिक स्वरूप को हम नमन कर सकते हैं, आपके आध्यात्मिक जो आपका स्वरूप है उसको भी हम नमन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आदि दैविक स्वरूप है उसको तो हम नमन भी नहीं कर सकते। क्यों नमन नहीं कर सकते? क्योंकि अपन श्री यमुना जी के महात्म्य को ही नहीं जानते। श्री यमुना जी का जो आदि दैविक महात्म्य है, जब तक आप किसी के महात्म्य को नहीं जानोगे तब तक उनको नमन करना शक्य नहीं है। आप लोग ठाकुर जी को नमन करते हो कि नहीं करते हो? तमारा घर में बिराजता भगवान ने, ठाकुर जी ने तमे नमन करो छो? तमे तमारा घर ना वडील ने नमन करो छो कि नहीं करता? तमे वल्लभ कुल ने नमन करो छो कि नहीं करता? हवे तमे केम नमन करो छो? कारण के तमे बद्धाना महात्म्य तमे जाणो छो। ठाकुर जी नो महात्म्य तमने खबर छे, भाई तमारा घर में कोण बिराजे छे ए महात्म्य तमने खबर छे, तमारा वडील नु शू महात्म्य छे ए तमने खबर छे, वल्लभ कुल नु शू महात्म्य छे ए तमने खबर छे। હવે હું તમને એક દાખલો આપું, તમે મને પણ જે નમન કરો છો, મને પણ જે દંડવત પ્રણામ કરો છો, એ પણ મારું મહાત્મ્ય જાણીને કે ભાઈ આપ વલ્લભ કુલ છો। ધારો કે આ ગ્રુપમાં, હવે આ ઝૂમ મીટિંગમાં હું ધોતી બંડી તિલકની જગ્યાએ હું જો જીન્સ ટી શર્ટમાં બેસી જાઉં ને યમનાષ્ટક કરવા, તમને ખબર પણ નહીં પડે કે ક્યારે વિશાલભાઈ ગ્રુપમાં પધારી ગયા। હમણાં તમને કેવી રીતે ખબર પડે છે? કારણ કે તમે તરત જોઈ લો છો ક્યારે ધોતી બંડીમાં કોઈ આવ્યું, ધોતી બંડી તિલક જોઈને તમને ખબર પડે છે। જો હું જીન્સ ટી શર્ટમાં બેસું ને આ ગ્રુપમાં, તમને ખબર પણ નહીં પડે, તમે મને દંડોતે નહીં કરો। જો રસ્તામાં પણ તમે મને જો મળી ગયા ને અગર હાલતા ચાલતા ક્યાં, અને તમે મને જીન્સ ટી શર્ટમાં જોવો ને, તો તમે મને દંડવત પણ નહીં કરો। તમે ક્યારે દંડવત કરશો? જ્યારે તમે મને ધોતી બંડી અને તિલકમાં જુઓ। તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યાં સુધી તમે કોઈ વ્યક્તિનું મહાત્મ્ય નહીં સમજો ત્યાં સુધી તમે એમને નમન નહીં કરશો। આપણો સ્વભાવ નથી મહાત્મ્ય જાણ્યા વગર આપણે કોઈને નમન, આપણે ભગવાનને પણ નમન ન કરીએ અગર જો આપણને ભગવાનનું મહાત્મ્ય ન ખબર હોય તો। આ તો તમને ભગવાનનું મહાત્મ્ય ખબર છે માટે તમે નમન કરો છો, તમારા વડીલનું મહાત્મ્ય તમને ખબર છે માટે તમે નમન કરો છો। ધારો કે અગર તમારા ઘરના વડીલનું મહાત્મ્ય તમારા મનમાં જો ખલાસ થઈ ગયો, અગર તમારા સંબંધ તમારા વડીલ જોડે એવા થઈ ગયા કે એમનું મહાત્મ્ય તમારા મનમાં ખતમ થઈ ગયું, પછી તમે નમન કરશો? તમે પછી નમન નહીં કરો, ભલે ને તમારા વડીલ હોય તોય તમે નમન નહીં કરો। તમારા સંબંધ કોઈની સાથે બગડી ગયા હોય તમે નમન કરશો? નહીં કરો। તો જ્યાં સુધી તમે શ્રી યમુનાજીના મહાત્મ્યને નહીં સમજો, યમુનાજીનું જે આદિ દૈવિક લીલાનું જે સ્વરૂપ છે એ નહીં સમજો, ત્યાં સુધી તો શ્રી યમુનાજીને નમન કરવું પણ શક્ય નથી। નમોસ્તુ યમુને સદા। યમુનાજી શ્રી કૃપા કરે, પોતાનું મહાત્મ્ય સમજાવે, તો તમે શ્રી યમુનાજીના મહાત્મ્યને સમજીને તમે એમના આદિ દૈવિક સ્વરૂપને તમે નમન કરી શકો છો। શાસ્ત્રો કો પડક્યા ભગવાન કા મહાત્મ્ય જાન સકતે હો, વેદ પુરાણ વગેરે પડક્યા ભગવાન કા મહાત્મ્ય જાન સકતે હો, લેકિન શ્રી યમુનાજી કા મહાત્મ્ય તો શાસ્ત્ર વેદ પુરાણ મેં ભી ઉપલબ્ધ નહીં હૈ। બોલો હવે નમન કેવી રીતે કરીએ? કઈ રીતે શ્રી યમુનાજીને આપણે નમન કરીએ? યમુનાજીનું મહાત્મ્ય તો શાસ્ત્રમાં નથી, વેદોમાં નથી, પુરાણોમાં નથી। શાસ્ત્ર મેં એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીને યમુનાષ્ટક ગ્રંથ કી રચના કરી, કે યમુનાષ્ટક ગ્રંથ કે દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજીને અપન કો શ્રી યમુનાજી કા મહાત્મ્ય બતાયા। અગર આપ જો શ્રી યમુનાષ્ટક કો અચ્છી તરહ સે પૂરે ગ્રંથ કો ટીકા સહિત અગર આપ જો સમજ જાઓગે, તો આપ શ્રી યમુનાજી કે મહાત્મ્ય કો ભી સમજ સકતે હો। ઓર એસે શ્રી યમુનાજી કે લિયે શ્રી મહાપ્રભુજી લિખ રહે હૈ કે નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમ અતિ અદ્ભુતમ। આપશ્રીનું ચરિત્ર તો અતિ અદ્ભુત છે।
अगर आप देखो तो शास्त्र में भगवान को अद्भुत कर्मा कहते हैं कि ठाकुर जी अद्भुत कर्मा है। ठाकुर जी अद्भुत कर्मा क्यों है? श्री महाप्रभु जी भी शास्त्रार्थ प्रकरण के मंगलाचरण में लिखते हैं कि नमो भगवते तस्मै कृष्णा याद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कि भगवान अद्भुत कर्मा है। अद्भुत कर्मा क्यों है? क्योंकि भगवान असाधनम साधनम करोति। भगवान असाधन को भी साधन बनाकर कृपा करते हैं। जो साधन, जो भगवत प्राप्ति में साधन नहीं है, जो भगवत प्राप्ति में बाधक है, उसको भी भगवान साधक बना के कृपा करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं। वह दाखला तरीके काम क्रोध अहंकार भय ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। लेकिन अगर आप इन सबको भगवान के साथ जोड़ दो, काम क्रोध भय अहंकार इन सबको अगर आप भगवान के साथ जोड़ दो तो ये भगवत प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हैं कि गोप्य कामाद भयात कंसः द्वेषा चेद्यो दयो नृपः संबंधात वृष्णय स्नेह यूयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया, कंस ने भय और क्रोध से भगवत प्राप्ति करी। कंस को भगवान से भय भी था और भगवान के ऊपर क्रोध भी था, पर क्योंकि वो भगवान के लिए था, भय भी था तो भगवान के लिए था और क्रोध भी था, भय में भी वो कृष्ण 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 नाम लेता था और क्रोध में भी वो हमेशा कृष्ण को ही याद करता था, तो भले ही भय और क्रोध ये भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है, पर क्योंकि भगवान के साथ जुड़े हैं तो भगवान ने भय और क्रोध को साधन बना के कंस का उद्धार किया। रावण शिशुपाल ये सब भगवान से द्वेष करते हैं, तो भगवान से द्वेष करने के कारण भगवान ने उसी द्वेष को साधन बना के रावण और शिशुपाल जैसे राजाओं का भी उद्धार किया, उनको मुक्ति प्राप्त कराई। और वृष्णि यादव कुल का भगवान के साथ सीधा संबंध था, वो लोग भगवान के सगे वाले थे, सगे संबंधी होने के कारण उनका भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य कि भय द्वेष क्रोध अहंकार काम ये सब भगवत प्राप्ति में साधक नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक। काम क्रोध लोभ भय अहंकार ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है, पर क्योंकि काम था तो भगवान से था, क्रोध था तो भगवान के साथ था, अहंकार या द्वेष था तो भगवान के लिए था, तो भगवान से जुड़ा होने के कारण भगवान ने असाधन को भी साधन बनाकर जीव के ऊपर कृपा करी है, जीव को जीव का उद्धार किया है। लेकिन यहाँ श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं कि यमुना जी का चरित्र तो भगवान से भी ज्यादा अद्भुत है, अति अद्भुत। अगर भगवान का चरित्र अद्भुत है तो यमुना जी का चरित्र तो अति अद्भुत है। अब अति अद्भुत क्यों है तो महाप्रभु जी लिखते हैं कि न जातु यमयातना भवति ते पय पानत। जो जीव यमुना जी के महात्म्य को जाने बिना केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर जो जाके यमुना जल का पान करता है, जो यमुना जी को नहीं जानता, यमुना जी के स्वरूप को नहीं जानता, यमुना जी के महात्म्य को नहीं जानता, यमुना जल के महात्म्य को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति भी खाली प्यास बुझाने के लिए अगर, अरे बहुत प्यास लग रही है पानी पियेंगे करके, अगर जो यमुना किनारे जाके अगर वो जल का पान भी करता है, ऐसे लोगों को भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। ये यमुना जी का अद्भुत चरित्र है, अति अद्भुत चरित्र है। भगवान आपके ऊपर तब कृपा करेंगे जब आप भगवान के महात्म्य को जानो, लेकिन यमुना जी के महात्म्य को अगर आप नहीं भी जानते हो और आप जाके यमुना जल का पान करो, अनजाने में भी अगर आप जो यमुना जल का पान करो तब भी आपको यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। ये यमुना जी का अति अद्भुत चरित्र का एक प्रमाण। अब यहाँ पे टीका में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई यम यात्रा से मुक्ति तो भगवत नाम लेने से भी दूर हो जाएगी। आपको अगर यम यातना का डर है कि अरे मरने के बाद मेरे को नरक भोगना पड़ेगा, यमराज मेरे को दंड देंगे, अगर आपको इस बात का डर है तो भगवत नाम लेने पर भी आपको यम यात्रा नहीं भुगतनी पड़ती। आप अजामिल का उदाहरण ले लो, अजामिल का उदाहरण ले लो। अजामिल ने केवल जाने बिना भगवान का नाम बुलाया। मरते समय पे अजामिल जब अपना देह छोड़ रहा था तो देह छोड़ते समय अपने पुत्र को बुला रहा था और उसके पुत्र का नाम था नारायण।
तो मरते मरते अजामिल केवल नारायण शब्द बोल गया और उसी से भगवान ने अजामिल का उद्धार कर दिया। तो भगवत नाम लेने से भी अपनी यम यातना दूर हो सकती है, तो यमुना जी का चरित्र इतना अति अद्भुत क्यों बोलते हैं? यमुना जी में ऐसी कौन सी विशेषता है जो भगवान के चरित्र में नहीं है? तो श्री गुसाई जी अपन को यहाँ पे समझाते हैं कि अगर जब आप ठाकुर जी के नाम का जब आप कोई जप करते हो, कोई अनुष्ठान करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो अगर उस मंत्र जाप में अगर आपसे कोई उच्चारण में भूल चूक होती है तो आपको उस मंत्र का फल नहीं मिलता है। ठाकुर जी का नाम लेते समय धारो के कोई वैष्णव मेरे से पूछे कि जीजे आप मारा ऊपर एवी कृपा कर, आप मने एवो कोई मंत्र बताओ कि जेथी मने पैसा नहीं प्राप्ति थाय, तो हूँ तमने लक्ष्मी जी नो प्रागट्य नो हूँ तमने एक मंत्र बताओ। अगर ए मंत्र जाप करवामा अगर जो तमे भूल चूक करो, उच्चारण में भूल थी, कोई लाइन तमे बराबर नहीं बोला, तो तमने एनो फल नहीं मळे। इनफैक्ट एवी पूरी पॉसिबिलिटी छे कि तमने एनो विपरीत फल मळशे। पुराणों में एक प्रसंग आवे छे, पुराणों में एक प्रसंग आता है, एक पति पत्नी थे जिसमें पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब पति ने दुनिया भर के सारे वैद्यों को बुला के इलाज करा लिया लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत नहीं सुधरी, उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई। तो उसको किसी ने सलाह दी, एक काम कर आप एक तांत्रिक के पास जाओ, तांत्रिक आपके लिए पूजा करेंगे तो आपके पत्नी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो वो एक तांत्रिक के पास जाते, तांत्रिक के पास जाके अपने पत्नी की तबीयत की बात करते हैं। तो उनको तांत्रिक बोलते हैं काम करो आप दोनों घर जाओ, घर में जाके आप आराम से रहो, मैं यहाँ पे आपके पत्नी के नाम की मैं पूजा करूंगा तो वहां पे आपके पत्नी को धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो तांत्रिक देवी की पूजा करना शुरू करते, थोड़े दिन तो पत्नी की तबीयत में थोड़ा सुधार था, थोड़ा उनकी तबीयत सुधर गई, लेकिन उसके बाद एकदम उनकी तबीयत अचानक वापस बिगड़ गई। ड्रास्टिकली वो पत्नी की तबीयत बिगड़ी और इतनी बिगड़ गई कि अब आज हरिशरण हो कल हरिशरण हो पता नहीं, इतनी ज्यादा तबीयत उनकी बिगड़ गई। तो वो हस्बैंड, वो तो मैं एक बार जाके देख कर आता हूँ कि तांत्रिक से बात करके आता हूँ, भाई पहले तो इसकी तबीयत ठीक हो गई थी लेकिन अब पिछले दो चार दिन से इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तो वो जब तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक के पास जाके देखते हैं कि तांत्रिक वहां पे मंत्र का जाप कर रहे होते, देवी भार्याम रक्षतु, देवी भार्याम रक्षतु, ये बोलते बोलते तांत्रिक के मुंह से निकल गया देवी भार्याम भक्षतु, देवी भार्याम भक्षतु। अब रक्षतु की जगह तांत्रिक के मुंह से भक्षतु निकल गया। आप अगर कोई भी मंत्र कोई भी पाठ आप कंटिन्यूसली बोलो ना बहुत फास्ट में, तो पूरी संभावना है कि आपसे थोड़ा सा उच्चारण में भूल हो जाए। तो देवी भार्याम रक्षतु, देवी भार्याम रक्षतु, रक्षतु 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 बोलते बोलते उनके मुंह से कब भक्षतु निकल गया उनको पता नहीं चला तांत्रिक को। तो जब आप देवी से भक्षण करने की प्रार्थना करोगे तो देवी तो भक्षण करेंगे ही ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का मंत्र तभी आपको फलित होगा जब आप उस मंत्र को बिना किसी भूल चूक के आप उसका जाप करोगे। कारण में कोई भूल हो गई तो रक्षण की जगह आपका भक्षण भी हो जाएगा। आप लॉटरी लगे उसके लिए अगर आप जो मंत्र जाप करो और अगर जो आप बराबर मंत्र का जाप नहीं करो, आप बराबर शुद्धि नहीं रखो, आप बराबर उच्चारण नहीं करो, शौच अशौच का आप अगर बराबर पालन नहीं करो और आप मंत्र का जाप करो, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि लॉटरी लगने की जगह पे उल्टा आपका दीवाला निकल जाए। लेकिन श्री यमुना जी के साथ ऐसा नहीं है। आप सभी वैष्णव मेरे को ईमानदारी से जवाब दो, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का उच्चारण यमुनाष्ट का बहुत सही है, तुम्हारा उच्चारण शुद्ध छे, एक्यूरेट छे, तुमने वो लागे छे, તમે યમુનાષ્ટકનું ઉચ્ચારણ બરાબર કરો છો, એકદમ બરાબર પુસ્તકમાં જોઈને પરફેક્ટ તમારું ઉચ્ચારણ છે એવું તમને લાગે છે, તમે એકદમ પરફેક્ટ રીતે યમુનાષ્ટકનું ઉચ્ચારણ કરો છો? નથી કરતા. હું તો ઘણી જગ્યા પ્રવચનોમાં જાઉં કરું અને શરૂઆતમાં પાઠ ચાલતા હોય ને યમુનાષ્ટકના એકાદશી એકાદશીમાં મંડળ ભેગા થતું હોય અને મંડળમાં બધા યમુનાષ્ટકનું પાઠ કરતા, તો મેં તો એટલા મેં તો એવા ઉચ્ચારણો સાંભળ્યા છે, સુરાસુર સુપૂજિત, મને કિતને વૈષ્ણવ કે મુંહ સે સૂરજ પૂજિત, સૂરજ પૂજિત સુના. ઉચ્ચારણ મેં ઇતની ભૂલ ચૂક હોતી હૈ લેકિન ઇતને વર્ષો મેં
आप लोग सब सीनियर सिटीजन हो, आप लोग इतने वर्षों से यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, गलत पाठ कर रहे हो, गलत उच्चारण से पाठ कर रहे हो। यमुना जी कोई दिवस बे डंडा लेने पधारा है तुमने मारवा? नालायक एक नाम मारू बराबर तारा ती नहीं लेवा तू बोले आ रीते यमुना जी कोई दिवस आपने बे लाफा मारा, आपने कोई दंड आप्यो? तो ये यमुना जी का अति अद्भुत चरित्र है कि आप उनके नाम का उच्चारण बराबर नहीं भी करोगे ना तो भी यमुना जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। यमुना जी कोई दिन आपको दो डंडा मारने नहीं पधारेंगे कि भाई तेरे से मेरा एक नाम बराबर नहीं लिया जाता, एक स्तोत्र का पाठ तेरे से मेरा बराबर नहीं होता। यमुना जी आपको कभी डंडा नहीं मारेंगे। यही श्री यमुना जी का अद्भुत चरित्र का एक और प्रमाण कि आपका चरित्र अति अद्भुत क्यों है, भगवान से भी करते आपका चरित्र अद्भुत क्यों है, तो ये उसका प्रमाण। कि ठाकुर जी का नाम अगर आप गलत ढंग से आप अगर उच्चारण करो ना कोई मंत्र पर, आप गजेंद्र मोक्ष ले लो, नारायण कवच वगैरह का पाठ ले लो, अगर ये पाठ पुरुषोत्तम सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम ये पाठ अगर आप बराबर नहीं करो तो जिस हेतु से आप ये पाठ कर रहे हो ना आपका हेतु पूरा नहीं होगा। लेकिन श्री यमुना जी ऐसे नहीं करते। श्री यमुना जी का नाम का उच्चारण अगर आप बराबर नहीं भी करो तो तब भी यमुना जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने पय शब्द का प्रयोग किया है, भवति ते पय पान। अब पय शब्द का संस्कृत व्याकरण के अनुसार दो प्रकार के अर्थ होते हैं। पय शब्द का एक अर्थ है जल और पय शब्द का दूसरा अर्थ है दूध। आप दोनों में से कोई भी अर्थ कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप दूध तरीके अगर आप जो पय पानत शब्द का अर्थ करोगे न जातु यमयातना भवति ते पय पानत, दूध अगर आप तुम्हें दूध इतना हिसाब है अगर जो तुम्हें अर्थ करो तो जो जीव श्री यमुना जी का दूध पीता है तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप जिस स्त्री का जिस नारी का आप दूध पीते हो आप ऑटोमेटिकली उसके पुत्र बन जाओगे। तो जब आप श्री यमुना जी के पुत्र बन गए तो कोई संभावना ही नहीं है कि यमराज अपने बहन के पुत्रों को तकलीफ दे। यमराज को यमुना जी अतिशय प्रिय है। मामा अपने भांजे को दुख दे ऐसी कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि मामा अपनी बहन से इतना प्रेम करता है कि वो अपने भांजे को कभी तकलीफ ही नहीं देगा। और प्राचीन समय में तो मैंने ऐसा सुना है बड़ों से, भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें कहवत थी कि माँ में सिर्फ एक म है, माँ शब्द में केवल एक बार म आता है लेकिन मामा में दो म आता है। जो माँ से भी डबल प्रेम करे ना वो मामा। पर ये प्राचीन समय की कहवत है, आज के समय पे शायद ये सिद्धांत लागू नहीं पड़े, आज शायद ऐसे मामा शायद आज के समय पे नहीं है, पर प्राचीन समय में तो ऐसी कहवत थी कि भाई जितना प्रेम अपन से माँ नहीं करती उतना प्रेम अपन से मामा करता है। इसलिए अगर आप जो श्री यमुना जी का आप जल का भी पान करो या दूध तरीके में अगर आप उसका अर्थ करो, अगर आप जल तरीके अर्थ करोगे ना कि अगर आप यमुना जी का जल पी रहे हो तो आप देखो कि अपना शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। और पंच अपन ने कल पंच महाभूत की चर्चा करी कि पंच महाभूत से पांच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आपको मालूम है कि अपने शरीर में पंच महाभूत में सबसे महत्व का कौन सा एलिमेंट है, सबसे महत्व का कौन सा है पांचों महाभूतों में से? आपके शरीर में सबसे ज्यादा किस महाभूत की क्वांटिटी है आपको मालूम? जल की है। आकाश तेज वायु जल और पृथ्वी ये पांचों में से सबसे ज्यादा आपके शरीर में जो क्वांटिटी है जिस चीज की वो जल की है। तो क्योंकि अगर आप यमुना जी का जल का पान करते हो और आपका शरीर आप आज का विज्ञान भी देखो तो अपना शरीर एक मनुष्य का देह 70-75% जल से भरा हुआ, तो जिस जल से आपके शरीर का निर्माण होता है और क्योंकि जल से आपके शरीर का निर्माण हुआ है और यमुना जल आपने पिया है तो तब भी आप यमुना जी के ही पुत्र बन जाओगे, आप यमुना जी के पुत्र ही कहलाओगे। आप चाहे दूध के भाव से यमुना जल का पान करो या फिर आप चाहे जल से यमुना जल का जल के भाव से यमुना जल का पान करो, दोनों ही केसेस में आप यमुना जी के पुत्र कहलाओगे।
और जब आप यमुना जी के पुत्र बन जाओगे तब आपको यम यातना का भय नहीं रहेगा, क्योंकि यमराज अपने बहन के पुत्रों को तकलीफ नहीं देते। यमराज को अपनी बहन से अतिशय प्रिय है, वो अपनी बहन को अतिशय पसंद करते हैं, उनको प्रेम है यमुना जी से, इसलिए वो कभी भी अपने बहन के पुत्रों को तकलीफ नहीं देते हैं। यह श्री यमुना जी का एक और अद्भुत चरित्र है। सबसे पहले देखो, अपन ने देखा कि कैसे यमुना जी ने ठाकुर जी के स्वभाव का परिवर्तन किया। मुरारी पद पंकज में अपन ने देखा कि मुक्ति देने वाले भगवान, मुकुंद रतिवर्धनी में भी अपन ने इसकी चर्चा करी कि जो भगवान पहले मुक्ति देते थे, अब श्री यमुना जी के कारण उनके स्वभाव का परिवर्तन हो गया, वो मुक्ति देने वाले से भक्ति देने वाले बन गए। फिर अपन ने देखा विशुद्ध मथुरा तटे, मथुरा नगरी जो प्राचीन समय में मुक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, श्री यमुना जी के संगम के बाद मथुरा नगरी भी मुक्ति प्रदान करने की जगह अब भक्ति प्रदान करने लग गई। ठीक उसी प्रकार से श्री यमुना जी ने यहाँ पे यमराज के भी स्वभाव का परिवर्तन कर दिया। यमराज जो लोगों को जनरली तकलीफ देने के लिए जाने जाते हैं, जो लोगों को नरकवास देने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे यमराज का भी श्री यमुना जी ने स्वभाव का परिवर्तन करके उनको यम यातना से, अपने भक्तों को यम यातना से मुक्ति कराई। ये श्री यमुना जी का एक और अद्भुत चरित्र का प्रमाण है। यमुना जी का चरित्र इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप जी का चरित्र अतिशय अद्भुत है। और अंत में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि प्रियो भवति सेवना तव हरेर यथा गोपिका। जो जीव आपके जल का पान करता है, आपकी सेवा करता है, वो गोपी जनों की तरह भगवान का प्रिय बन जाता है। गोपी गीत की सुबोधनी में आता है, सबसे पहले तो यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई आप यमुना जी की सेवा कर रहे हो तो आप यमुना जी के प्रिय बनोगे, आप ठाकुर जी के प्रिय कैसे बन जाओगे? एक जेनी तमें सेवा करो तमें एना प्रिय थशो, तमें बी हस्बैंड ने सेवा करो तो तमें सासूना प्रिय थई जाओ छो ऑटोमेटिकली। सासूना प्रिय बनवा माटे तमारे सासूनी सेवा करवी पड़े कि हस्बैंड नी सेवा करो तो बस छे? हस्बैंड नी सेवा करो ने तमे सासूनी सेवा नहीं करो तो तमे सासूना प्रिय थाओ? तमे सासूनी सेवा करो तो तमे सासूना प्रिय थाओ, तमे हस्बैंड नी सेवा करो तो हस्बैंड ना प्रिय थाओ। पण अहींया एवो नथी, अहींया श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी रह्या छे कि भाई खाली तमे यमुना जी नी सेवा करो छो पण तमे ठाकुर जी ना प्रिय केवी रीते बनी जाओ छो? तो श्री महाप्रभु जी आपणने अहींया प्रमाण आपे छे कि तव हरेर यथा गोपिका, कि जैसे गोपीजनों ने यमुना जी की सेवा करी और वो भगवान के प्रिय बन गए, ठीक ऐसे ही आधुनिक भक्त भी अगर जो श्री यमुना जी की सेवा करेंगे तो वो भी भगवान के प्रिय बन जाएंगे। कैसे? तो गोपी गीत का महाप्रभु जी यहाँ पे श्री गुसाइन जपन को टीका में प्रमाण बताते कि जब गोपीजनों को अभिमान हुआ और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपीजनों सबसे पहले ये अभिमान हुआ कि दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों से करते हम कितने ऊंचे, कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने उन सभी स्त्रियों को छोड़कर हमारे साथ रास कर लिया। तो ये अभिमान गोपीजनों के अंदर उत्पन्न हुआ, और जब ये गोपीजन के अंदर ये अभिमान उत्पन्न हुआ तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हुआ। गोपीजनों ने भगवान को ढूंढने के लिए अनेक प्रयत्न किए, कोई भी प्रयत्न काम नहीं आया। जब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आया तो गोपीजन एकदम निस्साधन बनकर वहीं बैठ गए। लास्ट में तो वो रोने लग गए कि भाई मैंने तो जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, लेकिन भगवान तो यहाँ पे प्राप्ति नहीं हो रहे, भगवान तो जाने कहाँ चले गए, भगवान तो मिल नहीं रहे। और लास्ट में तो वो रोने भी लग गए, और रो के गोपीजनों ने तो एक गजल भी गा दी वहां पर, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ, पहले से मरा सिम न सही फिर भी कभी तो तू मुझसे खफा है तो मनाने के लिए आ। गोपीजन यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे अभिमान के कारण आप हमको छोड़कर चले गए तो आप सामने तो पधारो, हम आपसे माफी मांगेंगे। माफी मांगने के लिए, हमारी भूल स्वीकारने के लिए आप एक बार सामने तो पधारो। आप अगर हमसे रूठ गए हो तो आपको मनाने के लिए आपको सामने पधारना पड़ेगा।
आप जो सामने नहीं पधारोगे तो हम आपको मनाएंगे कैसे? तुम मुझसे खफा है तो मनाने के लिए आप अगर मुझसे रूठ गए हो तो आप एक बार सामने पधारो तो सही, आप एक बार सामने पधारो तो सही कि मैं आपको मनाऊं। आप सामने ही नहीं पधारोगे तो मैं आपको मनाऊंगा कैसे? तो विरह के कारण, ये विरह के कारण जब गोपीजनों के अंदर निस्साधनता का भाव प्रकट हुआ तब श्री यमुना जी पधारे। श्री यमुना जी ने गोपीजनों के ऊपर कृपा करी और उनका अभिमान रूपी दोष दूर किया। और जब गोपीजनों के अंदर का अभिमान दूर हुआ तब उनको गोपी गीत गाने की प्रेरणा करी, और जब गोपीजनों ने गोपी गीत गाया तब साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो ठीक इसी प्रकार से आधुनिक जीव भी अगर जो श्री यमुना जी की सेवा करेगा निस्साधन भाव से बिना किसी स्वार्थ के, अगर आधुनिक जीव श्री यमुना जी की सेवा करेगा तो वो भी भगवान का प्रिय बन जाएगा, इसमें कोई संदेह का शंका का स्थान नहीं है। तो ऐसे श्री यमुना जी के सानिध्य का प्रभाव, अगर आप केवल श्री यमुना जी का सानिध्य अगर आप ले लोगे तो आपके अंदर भी ठाकुर जी भी आपके प्रिय बन जाएंगे और आपके अंदर भी सर्व प्रकार के दोष दूर होकर ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे। यह श्री यमुना जी के अति अद्भुत चरित्र का एक और प्रतीक है। और यहां अपना छठा श्लोक पूरा होता है और यहां साथ ही साथ मेरा समय भी पूरा होता है। मैं एक बार फिर से स्मिताबेन और स्मिताबेन के साथ जुड़े हुए जितने भी वैष्णव हैं, श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े हुए जितने वैष्णव हैं, उन सभी को मैं खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। और मैं यही शुभेच्छा रखता हूँ कि इसी प्रकार से ठाकुर जी आप लोगों के ऊपर कृपा करें, श्री यमुना जी आप लोगों पर कृपा करें और इस प्रकार के आयोजन आप लोग कंटिन्यूस करते रहो, उसका सामर्थ्य ठाकुर जी आपको प्रदान करें। श्री यमुना जी श्री महाप्रभु जी के ही चरणों में अपनी रति मति और गति बनी रहे, इसी शुभेच्छा के साथ जो कुछ भी मैंने बोला उसे श्री यमुना जी श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से विराम लेता हूँ। फेसबुक बंद कर दो जय जय श्री।